पंकज त्रिपाठी जी इस बार भारत रंग महोत्सव के रंगदूत हैं। काल को सेलिब्रेट करने के लिए हमने कुछ प्रयास किया है, जैसे जिसको अंग्रेजी में कहा जाए तो ब्रांड एम्बेसडर है। ये प्रयास हमने किया है कि रंगमंच को, इस फेस्टिवल को और आगे बढ़ाने के लिए रंगदूत होने के नाते और एलुमनस होने के नाते वो इसको और ज़्यादा पॉपुलराइज करेंगे। और सभा को और आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि मेरे ही बैचमेट स्वानंद किरकिरे जी, जो कि एक नोटेड लिरिसिस्ट हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग लिरिसिस्ट हैं, एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, एक ऑलराउंडर हैं और बहुत बहुत प्रतिभा शाली व्यक्ति हैं, उन्होंने इस बार हमने भारत रंग महोत्सव का एक एंथम बनाया है जिसको उन्होंने लिखा है। और उस एंथम को हमने बाहर से कोई सिंगर नहीं लिया, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीआई कंपनी के आर्टिस्ट, हमारे रेपर्टरी के आर्टिस्ट, उन सब ने गाया और वो सब हम आपको एक के बाद एक आपके सामने पेश करेंगे। पोस्टर और भारत रंग महोत्सव के ऊपर एक छोटी सी फिल्म है जो एक बहुत ही ब्रीफली आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम अभी दिखाएंगे आपके समक्ष, आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, DDS न्यूज में आपका स्वागत है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने आज दुनिया के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव के 25वें वर्ष की घोषणा की है। ये कार्यक्रम जो है 1 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक होने वाला है। देश के 15 शहरों में फैले इस 21 दिवसीय थिएटर फेस्टिवल में 150 से अधिक प्रदर्शन कार्यशालाएँ, चर्चाएँ और मास्टर क्लास शामिल होंगे। इस वर्ष भारत रंग महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। एक प्रेस वार्ता में NSD सोसाइटी के अध्यक्ष परेश रावल, भारंगम के रंगदूत पंकज त्रिपाठी, NSD निदेशक चित्रंजन त्रिपाठी, प्रसिद्ध अभिनेता और गीतकार स्वानंद किरकिरे, NSD के कुल सचिव आदि ने पंकज त्रिपाठी, NSD चित्रंजन त्रिपाठी, प्रसिद्ध अभिनेता के लिए स्वानंद किरकिरे, NSD के कुल सचिव आदि ने संबोधित किया। यह रंगमंच के माध्यम से वैश्विक एकता को बढ़ावा देने, सामाजिक सद्भाव को समृद्धि प्रदान करने के उद्देश्य का प्रतिरूप है। इस प्रदर्शन कला के माध्यम से विविध संस्कृतियों को एक साथ लाते हुए एक साझा वैश्विक परिवार की भावना पैदा करने का उद्देश्य केंद्रित है। इस टैगलाइन के माध्यम से इस वर्ष भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ 1 फरवरी 2024 को मुंबई में नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स NCPA में होगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम रमेश बैस NSD अध्यक्ष परेश रावल के साथ इसका आधिकारिक तौर पर उद्घाटन करेंगे। समारोह उद्घाटन के बाद आशुतोष राणा द्वारा अभिनीत भव्य नाटक हमारे राम का मंचन किया जाएगा। NSD के निदेशक चित्रंजन त्रिपाठी ने इस अवसर पर बताया कि हम भारत रंग महोत्सव के 25वें वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं और यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण अवसर है जो कलात्मक उत्कृष्टता की सांस्कृतिक विविधता के प्रति हमारी अस्थायी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम रंगमंच के जादू को बढ़ावा देने, विविध ध्वनियों और जन कथाओं को पनपने के लिए एक विशाल मंच प्रदान करते हैं। इस वर्ष उत्सव का 25वां वर्ष विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह रंगमंच के जादुई उत्सव में विविध नाटकीय आवाजों को एक साथ लाता है। महोत्सव में दर्शक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियां, लोक पारंपरिक नाटक, आधुनिक नाटक, स्नातक शोकेस और कॉलेजिएट नुक्कड़ नाटकों सहित कई नाटकीय रूपों की एक मनोरम श्रृंखला प्रस्तुति होने जा रही है। महोत्सव मुंबई, पुणे, भुज, विजयवाड़ा, जोधपुर, डिब्रूगढ़, भुवनेश्वर, पटना, रामनगर, श्रीनगर, वाराणसी, बेंगलुरु, गैंगटोक और अगरतला के साथ दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसे थिएटर के परिवर्तनकारी शक्ति का राष्ट्रव्यापी उत्सव सुनिश्चित करता है। अंकन दिखाना नहीं होता सिर्फ, वो थिएटर लिटरेसी का भी एक प्रारूप है। और थिएटर लिटरेसी में से इसलिए कहती हूँ कि इस महोत्सव में देश विदेश की बहुत सुंदर रचनाएं तो आपको देखने को मिलेंगी ही, लेकिन थिएटर पेडागॉजी और रंगकर्म के आसपास के विषयों पर भी हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। और मुझे लगता है इसलिए महोत्सव एक उस तरह का रंग भी देखता है इस भारत रंग महोत्सव के तत्वाधान में, जहां हम परिचर्चा कर पाते हैं
अपने थिएटर प्रैक्टिशनर्स की यात्राओं को साझा कर पाते हैं अपने थिएटर धर्मी, रंग धर्मी और रंग कर्मी मित्रों के साथ। दूसरा ये कि जहाँ तक 150 से ज्यादा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि क्या होता है कई नाटक आते आते रुक भी जाते हैं, लास्ट मोमेंट में बंद हो जाता है। तो एग्जैक्टली मैं अभी मान लीजिए आपको बोलता हूँ 177 और पता लगा वो हो गया 163, या मैं कहूँ 163 और उसके बाद पता लगा 165 क्यों? क्योंकि हो सकता है हमारे पास कोई लेजेंड ऐसे हैं जिनको हम नेगोशिएट कर रहे हैं कि आप भी आए नाटक करें, नाम नहीं लूंगा, तो अगर वो आते हैं तो वो एडिशन हो जाता है। सो एग्जैक्टली नाटक में दो बातें बहुत जरूरी है, भागीदारी। जब हम समाज की भागीदारी के बारे में बात करते हैं उसमें लोग कई बार मेंटेलिटी ये भी होता है कि टिकट तो जो होगा सो होगा, पास दे के भी तीन बार फोन करेंगे तो आएंगे, ये भी एक श्रेणी है। और वो सबसे ज्यादा नाटक के ऊपर बात भी करेंगे, टिकट टिप्पणी भी करेंगे, एनएसडी के ऊपर भी टिकट टिप्पणी करेंगे, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन थोड़ा सा अगर वो लोग भी टिकट विकेट लें तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए दिल्ली और बॉम्बे में हमने टिकटेड रखा है। लेकिन बाकी शहर में टिकट इसलिए नहीं है क्योंकि छोटे शहर में हम इसको पॉपुलराइज करना चाह रहे हैं, तो ताकि लोग, लेकिन फिर भी हम लोग इस बार सोच रहे थे कि नेक्स्ट ईयर, क्योंकि सब कुछ हमारा एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें ऑनरेबल चेयरमैन साहब, हम छोटे शहर में जब जाते हैं, बी टाउन में जाते हैं, शायद वहां पर हम 25 रुपये या 10 रुपये रखेंगे। से अबव जो है इंटरनेशनली ऐसे मानते हैं, फुल जैसे फीचर फिल्म कहते हैं, फिर शॉर्ट फिल्म कहते हैं, वैसे शॉर्ट प्ले का अलग से एक फेस्टिवल करेंगे। 3 असमिया प्ले है, 16 बंगाली प्ले है, 25 हिंदी प्ले है, 2 मणिपुरी है, 1 पंजाबी है, 2 मराठी है, गुजराती है, 3 कन्नड़ है, मलयालम 2 है, तुलु 1 है, अन्य भाषा में 2 है, उड़िया 1 है। अब हर एक क्षेत्रीय भाषा से नाटक कई बार आता नहीं, और ज्यादातर हमने देखा है कि बेंगली जितनी एंट्री आती है उतनी सिलेक्शन तो नहीं है, लेकिन क्योंकि एंट्री ज्यादा है और उसकी क्वालिटी भी वैसी होती होगी शायद, जो जूरी ने किया मुझे कुछ पता नहीं है, तो जूरी के हिसाब से ये है, क्षेत्रीय भाषा तो है ही। तो फ्रेंड्स, भारत रंग महोत्सव दिल्ली और अन्य कई शहरों में होने जा रहा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमें नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।